हरी ओम फ्रेंड्स, मैं आपका हरी ओम नीटिंग चैनल में फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ ड्रेसेस शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने अपने कस्टमर के लिए बनाई है। अगर आपको भी पसंद आती है तो आप इस तरह की ड्रेसेस मुझसे परचेज़ कर सकते हैं, बनवा भी सकते हैं स्पेशल। तो ये देखिए, ये मैंने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाई हुई है और एक मैंने ये मैया जी का लहंगा बनाया हुआ है। देखिए, ये मैंने इस तरह से ऊपर से डोरी लगाई है और यहाँ से भी डोरी लगाई है और इसके साथ मैंने ये देखिए इस तरह का ये शॉल बनाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको युगल सरकार की भी एक ड्रेस दिखाती हूँ। तो चलिए ये देखिए, मैंने कमर काशनी वाली युगल सरकार जी की पजामी वाली ड्रेस बनाई है। आई होप को आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका ये पूरा सेट है। इस तरह से ये मैंने कैप बनाई है इस तरह की, और ये हमारा देखिए कमर काशनी है और चोली इसके साथ ही है। ये देखिए, और ये हमारी पजामी बनी हुई है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इस पजामी को इस तरह से हमने लगाना है। और ये देखिए, डोरी भी लगाई है बांधने के लिए और मैंने बटन भी लगाए हैं इसको यहाँ पर बंद करने के लिए। और ये देखिए, साइडों से बंद करने के लिए मैंने यहाँ पर ये मोती लगाए हैं। तो ये देखिए, ये पजामी कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारा पटका है कृष्णा जी का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कृष्णा जी की ड्रेस हो जाएगी इस तरह से। तो चलिए, अब मैं आपको राधा रानी जी की भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, राधा रानी जी का ये लहंगा है। ये देखिए, और इसमें भी मैंने यहाँ पर ये देखिए डोरी भी डाली है और पीछे से मैंने थोड़ा सा ऊपर रखा है और नीचे से बंद है। और यहाँ पर इसे हम मोती के साथ बंद भी कर सकते हैं और डोरी लगाकर अपने जितना हमें एडजस्ट करना है उस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया लहंगा, और ये मैंने चोली बनाई है। देखिए, ये हमने बाजू वाली चोली बनाई है और नीचे से फ्रिल दिया है ताकि ये देखिए इसका लुक यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो ये इस तरह से आएगा। ठीक है, ये देखिए, और इसके साथ मैंने ये वाली शॉल बनाई है जो कि स्कार्फ हम इस तरह से डालेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। ये देखिए, इस तरह से हम स्कार्फ को डालेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से होगी ये युगल सरकार की ड्रेस। आई होप कि आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। और ये मैंने देखिए लक्ष्मी गणेश जी के लिए पटके भी बनाए हैं। इन्होंने पूरा अपना फुल मंदिर का सभी को पीस बनवाए हैं। तो ये देखिए, ये लक्ष्मी गणेश जी के हो गए। और ये देखिए, ये एक मैंने शॉल बनाई है। ये देखिए, ये शिव परिवार की जो उनकी एक तस्वीर है उसके ऊपर इस तरह से वो लगाएंगी। ठीक है, और एक मैंने हनुमान जी का ये पटका बनाया है जो कि ये इस तरह से बना हुआ है। आई होप कि आपको ये सभी पसंद आए होंगे। अगर आप भी इस तरह के ड्रेसेस परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग राधे कृष्णा। तो ऑर्डर करने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताइए, फिर मैं आपको नंबर बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।